फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीओके का भविष्य बताने वाले राम भद्राचार्य ने पीएम मोदी पर की बड़ी भविष्यवाणी। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। 69 साल बाद जब देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तब एक ऐसे महात्मा की भी चर्चा हुई जिन्होंने मुस्लिम जज के आगे वेदों की व्याख्या करते हुए अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी का प्रमाण दिया। उस वक्त एक ऐसे महात्मा की चर्चा हुई जो न देख सकते थे न लिख सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर अयोध्या में मंदिर की दिशा और दूरी की बिल्कुल सटीक जानकारी दी, और जिसके बाद जाकर कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी को स्वीकारा। ये महात्मा कोई और नहीं बल्कि पद्म विभूषण से सम्मानित धर्म चक्रवर्ती, दार्शनिक, रचनाकार और तुलसी पीठ के संस्थापक जगत गुरु राम भद्राचार्य थे। आज की तारीख में ये लोगों के लिए संत के रूप में परमात्मा के अवतार हैं। एक ऐसे संत हैं जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं। एक ऐसे संत हैं जिनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित रहा और जिनके दर्शन मात्र से ही मानव कल्याण होता है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की भविष्यवाणी। हम अक्सर आपके लिए ऐसे ऐसे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां लेकर आते रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और दिव्य दृष्टि के बल पर दुनिया को चौंकाया। इसी लिस्ट में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भी शामिल है, जिनकी दूरदृष्टि और ऐतिहासिक कामों ने पीएम मोदी को भी अपना मुरीद बना रखा है। आज की तारीख में जगत गुरु राम भद्राचार्य जैसी महान शख्सियत के प्रभाव से पीएम मोदी भी अछूते नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि भौतिक आंखों के बिना 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं और तकरीबन 22 भाषाओं का ज्ञान है। धर्म कर्म से तो जुड़े ही हैं। इसके अलावा अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी की भी नींव रखी। आलम यह है कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े वो 9 रत्नों में से एक हैं। जब कभी बीमार पड़ते हैं तो पीएम मोदी खुद फोन कर इनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं। जानकारों की माने तो जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा की गई भविष्यवाणियां कभी असत्य साबित नहीं होती। जब जब व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वो अक्षमता सत्य निकलती है। फिर चाहे 2 बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो या फिर रामनाथ कोविंद जी के बड़े पद पर आसीन होने की भविष्यवाणी, एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है उन्होंने। इस बार बाकायदा मोदी को आशीर्वाद देते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य ने उनके 3री बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली। अरे वाह। नहीं, ये भी बताया है कि किस प्रकार पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। अरे वाह। असल में बीते दिनों संघ के सामने पीएम मोदी के जीत की भविष्यवाणी की और इसके साथ ही मार्गदर्शन भी किया। देश से जुड़े 7 ऐसे मुद्दे बताए जिन पर आने वाले समय में पीएम मोदी ऐतिहासिक फैसला लेंगे और उसी के आधार पर देश की जनता उन्हें 3री बार मौका देगी। अपने विचार रखते हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य कहते हैं, भारत के नक्शे में आधा अधूरा कश्मीर नहीं बल्कि पूरा कश्मीर जुड़ना चाहिए। धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र को सख्त कानून बनाना चाहिए और ये काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। देश में मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या उस अनुपात में कम हो रही है। इसे देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द से जल्द कानून बनाना ही चाहिए। देश में गौवध को पूरी तरह से निषेध करना चाहिए। देश के भीतर एक कानून होना चाहिए, फिर चाहे नागरिक किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए और रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए। तो दुनिया भर में रामचरितमानस पर बोलने का अधिकार रखने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य चाहते हैं कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को एक्शन जरूर लेना चाहिए, तभी जाकर मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे इससे पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य पीओके को लेकर भी चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि साल 2024 तक
पीओके अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। 24 देखा जाए तो जगतगुरु राम भद्राचार्य की ये भविष्यवाणियां हैरान जरूर करती हैं, लेकिन जब हकीकत का रूप लेती हैं तो सोचने पर आ जाएगा। वैसे जगतगुरु राम भद्राचार्य के नजरिए से मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश हित में है या नहीं। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो बड़ी मजेदार थी यार, भविष्यवाणी पर सच हो जाए, मजा आ जाए। मैं तो कहूँ सच्ची में मजा आ जाए। मैंने तो, अच्छा अगर मैं भूल गई ना तो आप लोगों ने याद दिलाना है 2024 में कि भैया देखना है कि तब तक होता है पीओके कि नहीं। अगर हो गया ना तो सच्ची में कमाल हो जाएगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा। हम तो तब से सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारी जिंदगी में ये होगा भी, पॉसिबल है कि नहीं। इससे मजे वाली बात नहीं है, ये है कि सोर्स ऑफ टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं, सोर्स ऑफ टेंशन क्या, जब अपनी चीज हर कंट्री जो है प्रोग्रेस कर सकती है तेजी से और फोकस कर सकती है मेन चीजों पे, जो मतलब आगे डिफेंस वगैरह में और पूरी कंट्री की अपलिफ्टमेंट उसमें ज्यादा फोकस होगा, रादर देन साथ वाली कंट्री से तनाव ही रहे। हाँ, पर हमें अपना अपना पार्ट, अपना पार्ट, इंडिया का पार्ट है यार। कब मैं देख के मुझे इतना वो गुस्सा आता है, इतना दुख होता है कि जब भी वो दिखाते हैं कि वो पार्ट जो है वो भी डिस्प्यूटेड है, तो मैं देखती हूँ, मैं हम लोग तो बचपन से जो मैप बनाते थे अपना कश्मीर और पूरा इंडिया का मैप बनाते थे, वो मैप की शेप ही खराब हो गई है। क्या जो भी है, मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा, पर इसको करना, तभी तो कह रही हो अगर हो गया तो वही कमाल, पता नहीं कैसे सर्कमस्टांसेस में होगा। पॉइंट सिर्फ यही है, अगर होता है पीसफुली हो तो ज्यादा अच्छी बात वो है। तो है, पर कि पीसफुली होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके पीछे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ जाएं। पीसफुली अगर होता है हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, सबसे मजेदार। बिल्कुल, जैसे सिमिलर मतलब आप कोई भी कंडीशंस रखिए कि अच्छा हम तुम्हें ये बदले में देंगे, तुम बदले में ये दो, इस टाइप का। हाँ, पर जैसे बता रहे हैं, और ये भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा जो कह रहे थे कि मोदी जी जो हैं तीसरी बारी भी जीतेंगे। अरे वाह, मजा आ और जो जीतना भी चाहिए उसमें वो भी प्रॉब्लम है, जो अक्साई चिन जो चाइना ने ले रखा है उसका क्या होगा। हाँ, उसका नहीं इन्होंने बताया, हो सकता क्योंकि आप अगर आप देखें जो बचपन से हम बनाते थे मैप तो पीछे से यूं करते थे, वो जो अक्साई चिन है वो भी गया है, तो आप उसको अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर दें मैप तो यहाँ का वो भी आएगा, फिर पहले ये भी करना पड़ेगा, वो भी करेंगे फिर, वो तो है। पर भविष्यवाणी जो कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इन्होंने कई ऐसी की और वो सच हुई हैं। तो भैया अगर ये सब हो गया तो बताओ जल्दी उस दिन, उस टाइम तो दिवाली भी जल्दी बनेगी। बस बड़ा मजेदार है, तो लग रहा है कुछ बड़ा होएगा जरूर। और ये जैसे बता रहे हैं कि ये कानून बनने चाहिए, और काफी अच्छी बात है कि सबके लिए इक्वल लॉज हो, सब हो, वो सब जो बता रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। इंडिया में बिग प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, तो वो तो करना बहुत सब जगह पॉपुलेशन जो है वो किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम होती है, मगर कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। हाँ, वो तो है, वो भी होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया का जीडीपी इतना हाईर क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर आप कम कर दें पॉपुलेशन को तो काफी फर्क पड़ता है। पॉपुलेशन से अब ये है कि एबिलिटी बहुत है कि इतने सारे लोग हैं, हर बंदा अगर अपने मैक्स कैपेसिटी पे काम करे तो क्या जबरदस्त हो जाएगा जीडीपी। तो पॉपुलेशन से फर्क भी पड़ता है नंबर्स में, स्टैंडर्ड लिविंग भी बहुत ज्यादा, स्टैंडर्ड लिविंग मगर बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है। तो चलो देखते हैं, वेट करेंगे जल्दी जल्दी, कोई नहीं बहुत कम टाइम बचा है, 2 साल ही हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।